بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فيصل باو. उम्मीद है कि आप तमाम आज के हालात में खैर वाफियत के साथ होंगे और अपने घर में महफूज होंगे. तो आज के सेशन में बच्चों, हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फिफ्थ में पांचवी जमात में. हम यहाँ पर रियाजी मज़मून में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं रोमन न्यूमेरल्स के बारे में, जिसे हम उर्दू में रोमन अददी अलामतें कहते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे. आपने आपके आसपास बहुत सारी जगहों पर नंबर्स लिखे देखे हैं, है ना? तो कभी आप हिंदी में देखते हैं, कभी आप मराठी में, हिंदी में, इसके अलावा अरबी में भी देखते हैं आप लिखा हुआ, है ना? जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में आपको जो पारा होता है, एक दो तीन कौन सा पारा है, वो आपको इस तरह से अरबी के नंबर्स में देखने मिलता है ना. और मॉडर्न नंबर्स यानी इंग्लिश नंबर्स से आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. तो ये नंबर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में किस तरह से लिखे जाते हैं, वो एक हल्की सी झलक हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते थे, जिससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं. तो ये नंबर्स जिस तरह से हैं, इसी तरह से रोमन अददी अलामतें भी हैं. ठीक है, तो उन अलामतों के ताल्लुक से आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर अलग अलग किस्म के नंबर्स के बारे में बात करेंगे. हम कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम रोमन अददी अलामतों के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ नंबर है. कौन सा नंबर है? 4 है ना. तो इस तरह के नंबर आपको देखने में काफ़ी मज़ा आता है ना. और इस तरह के नंबर्स देखने में नहीं इतना मज़ा आता है ना. ठीक है, तो ये भी एक नंबर है. अब आप कहेंगे ये तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है L, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि ये भी एक रोमन न्यूमेरल्स है. ठीक है, जिस तरह से ये एक इंग्लिश नंबर है, उसी तरह से ये एक इंग्लिश में जिसे हम L कहते हैं वो एक रोमन न्यूमेरल्स है. ठीक है, एक सिंबल है, जैसे कि ये है ना. ये भी इंग्लिश का आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी एक रोमन न्यूमेरल है. ठीक है, ये भी एक सिंबल है रोमन न्यूमेरल्स में. ठीक है, ये भी जो है तो रोमन अददी अलामतों से एक अलामत है. मज़ेदार नज़र आ रहा है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से रोमन न्यूमेरल्स के सिंबल्स तैयार किए जाते हैं. ओके, इन दिस लेसन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक रोमन न्यूमेरल्स. ठीक है, एंड समटाइम्स वी मस्ट ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ सिंबल्स व्हेन वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स टू शो सच काइंड ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड लाइक दिस अप टू 10. आई थिंक वी आर शोइंग दीज नंबर्स बाय आवर फिंगर्स.
So when we are using our finger in this method, we are looking some kind of Roman numerals and this kind of images, right? So हम वन के लिए एक उंगली उठाते हैं, ठीक है, दो के लिए टू, तीन के लिए थ्री, है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग उंगलियों के ज़रिए इशारों को, और इन इशारों के ज़रिए हमने यहाँ पर नंबर्स शो किए हैं और हिस्सों को बताने की कोशिश की है। सो हम अक्सर से इस तरह के इशारे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस तरह के इशारे भी हम अक्सर से देखते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सो दीज आर द रोमन न्यूमेरल्स। ये न्यूमेरल्स जो हम देख रहे हैं, रोमन न्यूमेरल्स, इनमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 50 है और 100 है, और डी जो देख रहे हैं हम यहाँ पर 500 है, एम जो है तो इसे हम यहाँ पर 1000 कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये रोमन न्यूमेरल्स हैं, इन्हें हम मज़ीद आगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन इज़ 1, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। अगर ये 1 हो गया, ठीक है, अगर 1 में हम 1 ऐड करते हैं, सो विल गेट लाइक दिस 2, ठीक है, 2। सो 1 इज़ अ सिंपल लाइन और 2 के लिए 2 लाइन इस तरह से बनती है, ठीक है। सो सिंपल हम देखते हैं, जैसे कि 1 + 1 करते हैं हम, तो हमें यहाँ पर मिलता है 2, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 जो है ये नंबर हमें इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि 1 और 10 में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा 1 के आगे 1 लिखी जाए तो इनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जैसे हमने 2 तैयार किया है, इसी तरह से सिमिलर यही पैटर्न में हमें यहाँ पर 3 भी तैयार करना है, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 अगर हम करते हैं यहाँ पर, सो विल गेट द नंबर और द न्यूमेरल 3 लाइक दिस 1। (1 + 1 + 1) = 3. So in this method we can get 1, 2, and 3. This method से हम जो है तो 1 से 3 तक के अददी अलामतों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा यहाँ पर 3 किस तरह से बना है, और नाउ वी विल मूव फॉर द अनदर नंबर एंड दैट इज 5, ठीक है। तो 5 में अगर हमने 1 ऐड किया तो वो बन जाता है 6, राइट, है ना, इस तरह से। ये बन गया हमारा 6, दिस वन इज अ 6। वी से हम शो करते हैं 5 को, ठीक है। 1 जो है वो
आप देख रहे हैं एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन एक है ना, दिस वन इज वन, सो फाइव मीन्स वी, जो इंग्लिश अल्फाबेट है वी, उसको फाइव से शो किया गया है ना, और वन प्लस वन इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या मिला है, सिक्स मिला है, ठीक है, दिस वन इज अ सिक्स। सो इस पैटर्न से हमने यहाँ पर सिक्स हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द अनदर नंबर, एंड दैट नंबर इज अ फाइव प्लस वन प्लस वन, दिस वन इज अ वन, दिस वन इज अ टू, राइट। सो फाइव प्लस टू इज इक्वल टू, फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, राइट। सो सेवन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, वी और वी के आगे इस तरह से दो लकीर है ना, तो लाइन होगी इस तरह से। सो यहाँ पर फाइव प्लस, यहाँ पर हमने टू किया, सो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर सेवन मिलेगा, राइट। सो सेम यही मेथड से हमें एट भी बनाना है, ठीक है। सो विल मूव फॉर द एट, सो फाइव सिमिलर एज प्रीवियस स्लाइड, फाइव प्लस थ्री, सो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, सो लाइक दिस विल गेट एट। दे आफ्टर फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, सो दीज आर द पैटर्न टू डेवलप द रोमन न्यूमेरल्स। Thereafter, we are moving for 10. So this one is a 10. This symbol X, है ना, जो X है अल्फाबेट इंग्लिश का, X है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 10 कहेंगे, ओके। सो अब हमने डायरेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है 10, है ना, तो आपको मालूम है कि 10 में से अगर हमने माइनस किया 1, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 9, राइट। सो 10 तो हमें मालूम हो गया, तो हमने यहाँ पर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें मिला है यहाँ पर 9, ठीक है। तो इस तरह से हम ने आज के सेशन में बच्चों ख़ास तौर पे आपको फर्स्ट टू 10 रोमन न्यूमेरल्स सिंबल्स किस तरह से इजी वे मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसका एक हल्का सा हल्की सी एक मालूमात आपके सामने यहाँ पर रखी है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने ज़रूर से इसे समझा होगा, और फर्दर जो है तो आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट वर्क है, आप ज़रूर से करेंगे। ऐसे उम्मीद है जो पैटर्न में हमने यहाँ पर आपको फर्स्ट टू या 1 to 10 तक की जिस तरह से बनाना बताया है, उसी तरह से आप कोशिश करें और 10 to 20 तक के रोमन न्यूमेरल्स तैयार करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है।
कि आप अपना ख्याल रखेंगे और साथ ही जो है तो अपने घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट और वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। चलिए, खुदा हाफिज़।